हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जो आपका साइंस है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, चार ऐसे नियम देखेंगे, चार सबसे महत्वपूर्ण नियम जो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। ये चार नियम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चार सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अगर आपने ये नियम तैयार कर लिया तो आपका जो साइंस के महत्वपूर्ण बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 100% आएगा, क्योंकि ये नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिसको हम लोग देखने वाले हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ, ठीक है, 10th साइंस के जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओम का नियम, ठीक है। दूसरा नियम हम लोग देखेंगे बायो सेवार्ड का नियम, ये सारे आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, चौथा हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये चार महत्वपूर्ण नियम हैं या चार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये चार जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज का है, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को ये चार नियम बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओम का नियम, ठीक है। ये चारों नियम आप लोग नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ओम का नियम, फिर बायो सेवार्ड का नियम, फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ओम का नियम है, ध्यान से देखना, समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले आप देखो ओम का नियम क्या है, ठीक है, एंड प्रतिरोध का मात्रक भी बताइए। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का या फिर 7 नंबर का पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिर हमारा ओम का नियम होता क्या है, ठीक है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो ओम का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना, फार्मूला इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ओम का नियम के अनुसार, कि ओम के नियमानुसार या फिर नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं का मतलब होता है जैसे भौतिक अवस्था हमारा ताप है, दाब है, ये सब हमारी फिजिकल स्टेट हैं, ठीक है, यानी कि भौतिक अवस्थाएं हैं। तो जैसे हमारा ताप है, दाब भी लिख सकते हो, आदि सामान रहे, मतलब ये जो है ये सामान रहे, इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, इसमें कोई भी चेंजेस ना हो, ये इक्वल हो, यानी कि सामान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो हमारा कोई भी चालक है, अगर आप उसमें करंट प्रवाहित करते हो, करंट को आप लगाते हो, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। आपका कहने का मतलब है, आप लाइकेज, कोई आपका कंडक्टर है, कोई चालक है, उसमें आप करंट लगाते हो, तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसमें जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, समानुपाती होती है। ये हमारा होता है ओम का नियम। बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आता, इसमें क्या नहीं समझ में आता, हमें तो बहुत आसान लगता है। बस यही कहना है कि ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है, ठीक है, उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, बस, बहुत आसान है। देखो अब आपको फार्मूला समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आप यहां से फार्मूला आपका निकल चुका है, यहां क्या कह रहा है, जो विद्युत धारा है यानी कि V जो है वो अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती है I के, यही तो कहना चाहता है। तो लिख दो जो कहे उसको लिखो, तो ये कह रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर हमें यहां समानुपाती चिन्ह को हटाओगे, ठीक है, जो हमारा समानुपाती चिन्ह है उसको हटाओगे, तो यहां एक नियतांक जुड़ जाएगा, या फिर हमें एक स्थिरांक कह सकते हैं, स्थिरांक नियतांक सब एक ही होते हैं, ठीक है, स्थिरांक जुड़ जाएगा, वो क्या जुड़ेगा, वो देखो आई आप लिख दो, तो यहाँ एक स्थिरांक जुड़ जाएगा आर, तो ये हमारा बन जाएगा V बराबर आर आई, क्या बन जाएगा, V बराबर आर आई, ये हमारा हो गया फार्मूला। अब कहोगे सर वी में आर कहाँ से आ गया, ये आर जो है स्थिरांक को हटाओगे तो आर जुड़ जाएगा, बट आर है क्या, जो R है हमारा, R ये क्या है, ये हमारा जो है वो है चालक का प्रतिरोध, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध, ठीक है, क्या कहते हैं, चालक का
प्रतिरोध। समझ में आया? कोई दिक्कत हुई, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। अब यहां से आपका फार्मूला निकल चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग निकालते हैं इसका मात्रक वी। वी का मतलब होता है हमारा वी बराबर आई आर, और आर बराबर पहले आप लिख लो क्योंकि हमें प्रतिरोध का मात्रक निकालना है, वी अपान आई। ठीक है, आर बराबर हमारा वी अपान आई होता है। देखो अब हमें आर, आर का मतलब होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक लिखो, प्रतिरोध का मात्रक ये बराबर होता है जो V है, विभवांतर का मात्रक। ध्यान से समझना, विभवांतर का मात्रक बटे में जो धारा है, धारा I। ठीक है, तो धारा का मात्रक लिख दूं, धारा का मात्रक। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो हमारा विभवांतर का मात्रक होता है सभी को पता है, आगे आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि भैया इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो भैया जो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, और ये जो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है वो ओम के बराबर होता है। तो ध्यान से समझो, आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि जो प्रतिरोध का मात्रक है वो ओम भी कह सकते हो, ओम तो बहुत ज्यादा आता है ऑब्जेक्टिव में, एंड आप अगर वोल्ट प्रति एम्पियर आए तो ये भी हमारा प्रतिरोध का मात्रक है, दोनों है। ठीक है, लेकिन ओम का एक सिंबल होता है, आप लोगों ने देखा होगा ओम का एक सिंबल होता है ये, इसके द्वारा ज्यादा डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रतिरोध का मात्रक, बस इतना हमें समझना था। और आई होप कि आपको ओम की नियम जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, इसमें कोई कंफ्यूजन बचा ही नहीं है कि आपको कंफ्यूजन हो। तो ओम का नियम बस इतना समझना था, और आप लोगों को ओम का नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो लाइक जरूर कर देना अगर ओम का नियम समझ में आ गया हो। दूसरा जो हमारा है वो है बायो सेवार्ड का नियम, बायो है ठीक है, बायो सेवार्ड का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 4 नंबर में 7 नंबर में आ ही जाता है, तो आते हैं तो हम लोग देखेंगे जरूर। तो चलो अब हम लोग समझते हैं बायो सेवार्ड का नियम, यानी कि दूसरा नियम। पहला तो ओम का नियम हम लोगों ने समझ लिया, अब दूसरा समझते हैं बायो सेवार्ड का नियम। देखो इसको आप लोग कैसे समझोगे, बायो सेवार्ड का नियम कैसे समझोगे? चलो देखो, सबसे पहले आप फिगर अभी आप समझ जाओगे, सबसे पहले बायो सेवार्ड का नियम जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब फिगर को सबसे पहले हम लोग बनाएंगे तभी तो ये सब लिखेंगे, तो फिगर को पहले समझते हैं। तो देखो फिगर में क्या है, ये हमारा एक चालक है, ठीक है समझ में आया, और कुछ ही दूरी पर हमारा बिंदु P है। क्या है? बिंदु P है। ठीक है, F आप F छोटे लेटर का बना देना, बस याद रखना माइंड में हमारा छोटे लेटर का F है बस। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आसान है। अब देखो सबसे पहले इसको, आसान आप लोगों को लगेगा जब आप समझोगे, वैसे तो भाई हार्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता। सबसे पहले आपका ये जो कोण है इसको आप थीटा मान लो, थीटा कोण। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें हमारा धारा I जो है वो प्रवाहित हो रही है, ठीक है, एंड ये P बिंदु की जो यहां से यहां तक की दूरी है माय डियर स्टूडेंट वो हमारा R है। क्या है? स्मॉल R है। ठीक है, स्मॉल R है, एंड यहां से यहां तक की जो हमारी बीच की दूरी है, हम लोग देखो पूरी दूरी तो L है, लेकिन हम यहां से अल्पांश दूरी लेंगे थोड़ी सी, तो आप डेल्टा एल कर लेना। ये हो गया हमारा फिगर, इसमें है कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस यहां आप समझो बायो सेवार्ड का नियम कैसे सिद्ध करते हैं। बायो सेवार्ड ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक, एक धारावाही चालक है ठीक है, से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक के एक छोटे खंड डेल्टा एल, ये जो छोटा खंड मैंने लिया, पूरा तो एल है, बहुत बड़ा है चालक, बट इसका हम अल्पांश दूरी लेंगे छोटा सा, वो हमारा डेल्टा एल हो जाएगा ठीक है, द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वी, ठीक है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप समझो, सबसे पहला क्या है, चालक खंड की लंबाई जो डेल्टा एल है वो क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र वी है वो इन सारे बातों पर निर्भर करता है। पहला, जो हमारा चालक खंड की लंबाई है डेल्टा एल वो उसके अनुक्रमानुपाती होता है, मींस आप जो वी है वो अनुक्रमानुपाती है डेल्टा एल के। ठीक है, समझ में आया, इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट दे देना। देखो मैं आप लोगों को एक एक चीज, एक एक पॉइंट समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा, चालक जो है, चालक
खंड में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपातिक होता है। अब ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र भी है, इन सब पर निर्भर करता है। अब यहां जो हमारा वी है, ठीक है, वो किसके अनुपातिक है, धारा आई के, ठीक है, धारा आई के अनुपातिक है, ठीक है, ये न लगाओ, ठीक है, धारा आई ही लिखो। एंड जो हमारा वी है, चालक खंड के बिंदु की दूरी का वर्ग जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि हमारा जो वी है वो व्युत्क्रमानुपाती 1/r2, इसका वर्ग और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। ये तीन बातें हो गई। अभी हमारा एक बात और है, वो क्या है, चौथा, धारा की दिशा जो है यानी कि कोण तथा बिंदु के बीच कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो हमारा वी होगा, वी या फिर आप डेल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, किसके, साइन थीटा के हमारा अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा बच्चों, ये हमारा दूसरा समीकरण है, ये हमारा तीसरा समीकरण है। तो ये हमारा कौन सा है बच्चों, ये हमारा चौथा समीकरण है, चौथा समीकरण। अब इन सबको हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इन सबको मिला मतलब जोड़ा जाए या फिर एक साथ किया जाए, तो समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, इन सबको एक साथ लाओ, को हल करने पर, हल करने का मतलब है यहां से जो हमारा v है वो अनुक्रमानुपाती होगा, पहला डेल्टा l i, या फिर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले i लिख दो, ठीक है, i डेल्टा l, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा l फिर हमारा साइन थीटा, ठीक है, बटे में हमारा r स्क्वायर हो जाएगा, बटे में r स्क्वायर, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब यहां से आप अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाओगे, बराबर का चिन्ह लग जाएगा, I डेल्टा L साइन थीटा, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा हम लोग जब ये चिन्ह हटाएंगे एक नियतांक जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, एक नियतांक, ध्यान रखना, डायरेक्टली नहीं हटा सकते, अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने पर एक नियतांक जुड़ जाएगा, ठीक है, वो है म्यू नॉट बटे 4π। अब लिखो आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, यही है हमारा बच्चों बायोसेवाल्ट के नियम का सूत्र, यही है हमारा सूत्र, बायोसेवाल्ट का नियम आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, आप चार बातों पर निर्भर करता है, एक हमारा लंबाई पर, धारा पर, एंड बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती एंड थीटा पर, फिर ये हमें सूत्र मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोसेवाल्ट के नियम का। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो हम लोग देखते हैं आगे। तो अगला जो हम लोग समझेंगे वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। देखो यदि हम देखो अपना जो है बायां हाथ है ना, ये बाएं हाथ को आप ऐसे फैलाओ, ठीक है, ये इस टाइप से दिखेगा नहीं कैमरे में, तो बाएं हाथ के अंगूठे, तीन उंगली लेना, एक अंगूठा एंड बीच की उंगली और तर्जनी, ठीक है, बीच की उंगली और तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं, क्या कहना है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के बीच की अंगुली, जो अंगूठा है और उसके बीच की अंगुली और तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, क्या हो, तीनों जो है परस्पर लंबवत हों और बीच की अंगुली जी है विद्युत धारा I की दिशा। देखो ध्यान से, ये मैंने हाथ भी बना रखा है, प्यारा प्यारा छोटा छोटा क्यूट क्यूट, देखो जो बीच की अंगुली है ये क्या है, ये है मिडिल फिंगर, बीच की उंगली, ये क्या है, बीच की उंगली है, देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो बीच की उंगली क्या है, विद्युत धारा I की दिशा। तो देखो यहां जो बीच की उंगली है धारा I की दिशा, तर्जनी का मतलब है ये वाला, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा, ये जो है बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा, ये धारा I की दिशा, ठीक है,
तब चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? हमारा अंगूठा क्या दर्शाता है? अंगूठा जो है चालक की बल, चालक पर बल की दिशा को दर्शाता है। यही हमारा होता है बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कहने का मतलब है यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और बीच की उंगली और तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं, या तीनों उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि वो लंबवत हो, और बीच की उंगली जो है विद्युत धारा I की दिशा को, ये देखो मिडिल फिंगर जो है विद्युत धारा I की दिशा को, तथा जो हमारा तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा को, तथा जो हमारा अंगूठा है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। समझ में आया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अगर अब भी नहीं समझ में आया है भाई तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। देखो अपना अंगुली फैलाओ, तीन उंगुलियां, एक तो अंगूठा, एक तर्जनी, एक मध्य यानी कि मिडिल फिंगर। तो अगर आप उसको फैलाओ और वहां आप लिख लो कि मिडिल फिंगर जो है आई, चुंबकीय क्षेत्र वी तर्जनी, एंड एफ यानी कि बल जो है वो हमारा अंगूठा। तो यहां आप फिर आप बनाकर लिख सकते हो कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के अंगूठा और बीच की अंगुली और तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, और बीच की अंगुली जो है विद्युत धारा आई की दिशा, एंड जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र वी की दिशा, तब अंगूठे पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। तब जो है चालक पर लगने तब अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा बाएं हाथ का नियम हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। क्या समझते हैं? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। देखो यहां है कि ध्यान से समझना कि फ्लेमिंग के दाएं, वो तो बाएं था ना, ये दाहिने यानी कि दाएं, ठीक है, हाथ का नियम समझो। सबसे पहले सेम ही है, जितनी अंगुली आपने उसमें फैलाया था सेम उतनी ही उंगली इसमें भी फैलाना है, और इसमें केवल अंगूठा चेंज रहेगा, ठीक है। उस पर क्या था? अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता था, यहां अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा, बस इतना सा चेंज है, ठीक है, समझ में आया? तो यहां अब आपको बताते हैं ये नियम। देखो जब हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, जो हमारा अंगुली है तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा अंगुली प्रेरित धारा की दिशा एंड दिशा को, तथा अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को प्रेरित करता है। यहां थोड़ा सा समझना, सबसे पहले ये जो है अंगूठा क्या दर्शाता है? वो हमारा चालक की गति की दिशा, ठीक है, यानी कि चालक की गति, अंगूठा हमारा चालक की गति की दिशा दर्शाता है, ठीक है। एंड एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं, तर्जनी उंगली यानी कि मिडिल के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा, ये हमारा तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र V की दिशा को दर्शाता है, तथा मध्यमा उंगली प्रेरित धारा I की दिशा, ये जो मध्यमा उंगली है प्रेरित धारा I की दिशा को, तथा तब अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रेरित करता है। बस यही तो हमें समझना था। इसमें मैंने आपको फिगर भी समझा दिया। देखो इसमें है कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाओगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो, बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये हमारा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो देखो दाएं और बाएं हाथ का नियम आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 साइंस के चार ऐसे नियम डिस्कस किए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोगों ने ओम का नियम, दूसरा बायो सेवर्ड का नियम, तीसरा हम लोगों ने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। ये सारे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये आज का साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें हमने चार नियम डिस्कस किए हैं। मैं आपको बायो सेवर्ड का नियम भी दिखा देता हूँ, देख सकती हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है, पूरा
तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, मैं आप लोगों का वो प्रॉब्लम ज़रूर दूर करूँगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँगा, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हम आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो लाएँ तो वो आप सबसे पहले देखकर वो पूरा अच्छे से पढ़ सको, क्योंकि अब आपके पास समय कम है और अब आपको अच्छे से तैयारी करना ही पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जाए हिंद, वंदे मातरम।